रियल नंबर्स क्लास 10 का ही चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 1.3। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ओके, देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए। सो दिस इज द थ्योरम, पी प्राइम नंबर है एंड पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो पी ए को भी डिवाइड कर सकता है, ये थ्योरम है, ठीक है। अब देखते हैं इस थ्योरम को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ओके। बेसिकली हम लोग इसको यूज करेंगे इरेशनल नंबर्स के लिए। आपको क्वेश्चन मिल सकता है, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। मालूम है ये रूट टू लगता ही कैसे अजीब सा नंबर है, देखते ही गुस्सा आता है। रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, बहुत अजीब नंबर है। आर एस अग्रवाल, एम एल अग्रवाल, आर डी शर्मा, सब लोगों ने समझ लिया कि ये इरेशनल नंबर है, इरिटेटिंग नंबर है। लेकिन हाउ टू प्रूफ, इसको प्रूफ कैसे करें कि दिस इज इरेशनल। दुनिया को सबको मालूम है कि इरेशनल है, लेकिन प्रूफ कैसे करना है, ये प्रूविंग के लिए आपको ये थ्योरम यूज करना पड़ेगा, राइट। देखते हैं नाउ, मैथमेटिक्स में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चीज को प्रूफ करना है या किसी को मान लो किसी की वैल्यू निकालनी है, जैसे 2 + 2 = 5, ये प्रूफ करना है तो लेट ले लो भाई, सिंपल है। लेट लेट लेके कोई भी अननोन नंबर जिसकी वैल्यू नहीं मालूम, लेट ले लो, ठीक है। तो यहां पर भी आपको यही करना है, लेट लेट कर लिया दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। एजम्पशन, एज्यूम, अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म। तो दैट मीन्स रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी, वेर एज ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड नॉट इक्वल टू जीरो। आप यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं दैट ए बी आर इंटीजर्स एंड नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। यहां तक समझ में आ गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, सेम चीज को स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्योंकि हमें मालूम है रूट को अगर हटाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। रूट और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे एंड राइट, ओके, रूट टू स्क्वायर टू एंड दिस इज ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, दैट ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर। नाउ ये जो टू है बी स्क्वायर के पास में, ये टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, बिकॉज यहां पे अगर हम यू नो ऐसे अगर लिखें टू टू, दैट मीन्स ये टू यहां पे आ सकता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टू यहां पे आ सकता है, दैट मीन्स ए स्क्वायर को टू से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखनी है दैट ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर, सो दैट मीन्स टू कैन डिवाइड, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर टू ऑल्सो डिवाइड्स ए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। यहां पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं दैट थ्योरम 1.3, ओके, समझ में आ गई। नाउ ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम मार्क कर सकते हैं इक्वेशन वन, क्योंकि इसके आगे भी कैलकुलेशंस और आपको करने हैं एंड आगे बढ़ते हैं, यहां तक कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन हमें यहां पे लेट करना है दैट ए is equal to 2c, again let कर लो that a equal to 2c,
राइट। अगर हमें इसको स्क्वायर करें दोनों साइड्स तो व्हाट वी गेट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c² फाइन। इक्वेशन वन में ए स्क्वायर इक्वल टू 2b² है, यहां पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c² है, दैट मींस ए की वैल्यू अगर हम इक्वेट करेंगे तो वी गेट 2b² इज इक्वल टू 4c², राइट। 2 से डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, वी गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c², ठीक है। 2 से दोनों साइड्स को हमने डिवाइड कर दिया। नाउ अगेन थ्योरम आ गया दैट दिस 2 डिवाइड्स b² 2 डिवाइड्स b² देन 2 आल्सो डिवाइड्स b। तो इसका मतलब यह हो गया कि a एंड b हैव कॉमन फैक्टर्स 1 and 2, दैट मीन्स a और b दोनों 1 और 2 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स दीज आर रैशनल नंबर। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन टू दिस हमने एज्यूम किया था कि रूट 2 रैशनल नंबर है, तो वो बात सच नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि रूट 2 इरेशनल है, रैशनल नहीं है, फाइन। तो आपको लास्ट में यहां पे जब आंसर लिखेंगे, आवर एजम्पशन दैट रूट 2 इज ए रैशनल नंबर वॉज रॉन्ग। कॉन्ट्राडिक्शन टू दिस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। सो इन दिस वे we can prove that root 2 is an irrational number, right? Okay guys, इसी example को follow करके let's work out exercise 1.3। and इसका जो पहला question है, and the first question is prove that root 5 is irrational, ये प्रूफ कर। अभी अभी हम लोगों ने रूट 2 को देखा, वैसे ही सेम मेथड फॉलो करना है, बस थोड़ा सा चेंज कर। ओके, लेट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ओके, देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड नॉट इक्वल टू 0। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, what we get, 5 is equal to a square by b square, right? अब हमें इसको cross multiply कर ले, a square equal to 5b square, now that means 5 divides a square and therefore 5 also divides a according to theorem 1.3। Now, ब्रैकेट में आप पूरे थ्योरम के वर्ड्स लिख सकते हैं, फाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन लेट a इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज एन इंटीजर एंड नॉट इक्वल टू 0, एंड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, व्हाट डू गेट, यू गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c², ठीक है। इक्वेशन के दोनों साइड को हमने स्क्वायर कर लिया, एंड अकॉर्डिंग दिस इज इक्वेशन 1, a square equal to 5b square, and here a square equal to 25c square. You can mark this as equation 2. Now equate, that means 5b square equal to 25c square. Now dividing 5 both the sides, what we get, b square is equal to 5c square. Now again same cheez aapko likhni hai, that 5 divides b square and therefore 5 also divides b. Now come to the final answer, that a and b have common factors 5,
ठीक है, बट कॉन्ट्राडिक्शन टू दिस, we assumed that they have common factor 1. Okay, so our assumption was wrong and therefore root 5 is an irrational number. So it was so simple. But the next question ke taraf, and the question is prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं. हम लोगों ने अभी अभी प्रूफ किया दैट रूट फाइव इज इरेशनल, राइट. ओके, अगेन यहां पे थोड़े से हम चेंजेस कर लेते हैं. अगेन लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड नॉट इक्वल टू 0. फाइन, 3 को इस साइड राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, a by b minus 3. Fine. Now इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं that okay LCM ले लिया b and again 2 को यहां पे ले आए. रूट 5 को अकेला करना है आपको, like you have to remove all the numbers from root 5. तो 2 will multiply b, so that means a minus 3b divided by 2b. ओके, नाउ स्प्लिट दिस, a बाय 2b माइनस 3b बाय 2b. ओके, वी कैन ऑल्सो रिड्यूस दिस, सो वी गेट रूट 5 इज इक्वल टू a बाय 2b माइनस 3 बाय 2. नाउ दिस पार्ट, this part is rational. Okay, a by 2b minus 3 by 2, ये rational है, ये rational number है, क्योंकि यहाँ पे कोई root नहीं है, कोई झमेला नहीं है. And we can also write it that when this is equal to this, इसका मतलब that root 5 is also rational. Okay, so that means this is rational. But root 5 is irrational. So contradiction to this, or contradiction to this, we can say that 3 plus 2 root 5 is irrational. So this is how you have to solve the question. Fine. बहुत ही important exercise है and बहुत ही irritating exercise भी है. And root 2, root 3, root 5 इनको proof करना आप जितनी जल्दी समझोगे उतना जल्दी भूल भी जाएंगे. तो the best thing is to practice. Practice कीजिए जितनी practice कर सकते हैं, so that you can take this solution into the long term memory. क्योंकि इसमें mathematics थोड़ा सा कम है और लिखना ज्यादा पड़ता है. Right. So friends, that's all in this video, and in the next video I will teach you some more important mathematics from CBSE class 10. Stay tuned and do not forget to like and subscribe my channel so that you get important videos for your preparation. Thank you for watching.